नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त जो भारत है वो पूरी तरीके से कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इस जंग में साथ साथ कार्य कर रही हैं, और मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी हद तक हम इस वायरस को रोकने में सफल भी रहे हैं। जैसा कि भारत सरकार द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था, उसमें जो और देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारे देश का रहा है, और अगर आगे लॉकडाउन और थोड़ा बढ़ जाता है तो हम ये जंग आसानी से जीत जाएंगे। इसमें सभी भारतवासियों को राज्य सरकार और भारत सरकार का सहयोग देना है। आपको पता होगा, अभी 5 या 6 दिन पहले भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप ये एक भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है, एक ऐप के थ्रू लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए ये ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के बारे में मैं इसी वीडियो में आगे एक ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ। इस ट्यूटोरियल में आपको समझ जाएंगे कि ये जो ऐप है कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसकी प्रोसेसिंग होगी, अभी आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएगा। इसी के लिए आपको बता देते हैं कि इस ऐप को आप इस्तेमाल करके जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। क्या क्या इसके बेनिफिट्स आपको होंगे ट्यूटोरियल में आपको दिखाई देगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऐप है आप एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप ट्यूटोरियल देखिएगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि इस आरोग्य सेतु ऐप को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा सर्च में, और यहाँ पर डालिएगा आरोग्य सेतु। ये आरोग्य सेतु देखिए ऊपर आ गया है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा, इसकी रेटिंग 3+ है और 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आपके पास आप प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा ऐप स्टोर। यदि आप इसे आप एंड्रॉयड हैंडसेट और iOS दोनों डिवाइसेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसे इंस्टॉल कीजिएगा। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। एंड्रॉयड हैंडसेट और आपका iOS दोनों पर आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा डाउनलोड हो रहा है, इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा ऐप है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। ये ऐप आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, और इसी के लिए ये ऐप बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। ये देखिएगा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इसके लिए हम मेन मेन्यू में जाएंगे। मेन मेन्यू में जाने के बाद इस ऐप को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद तो दोस्तों हम यहाँ पर मेन मेन्यू में आ गए हैं। मेन मेन्यू में जाकर आप ये आरोग्य सेतु ऐप पर क्लिक कीजिएगा। आरोग्य सेतु ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के दिशा निर्देश दिखाई देंगे। जैसे सबसे ऊपर आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। इसके नीचे आप देखिएगा, क्या आप चाहते हैं कि आपको ये जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है। इसको फिर आगे आप कर दीजिएगा और आगे इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफ की मदद से। आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः इस संपर्क को ट्रैक करता है। ये इसमें आपको प्रोसेसिंग दे रखी है। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करें, ब्लूटूथ और लोकेशन का स्विच ऑन करें, अपनी लोकेशन शेयरिंग को ऑलवेज पर सेट करें, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपने दोस्तों और परिवार को भी आमंत्रित करें। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है जो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है यदि आप जाने अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। इससे आगे आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं की, अपने परिवार और मित्रों की कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को हमसे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। इसमें आप नीचे देखिएगा, रजिस्टर करने का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। जैसे सेवा और गोपनीयता की शर्तें, इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हैं और आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। सबसे पहले तो मोबाइल लोकेशन, इसमें लिखा हुआ है आपसे अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल के लोकेशन की सेटिंग को ऑलवेज पर सेट करें, आप इसे बाद में कभी भी बदल सकते हैं। उसी तरह ब्लूटूथ, ब्लूटूथ आपके मोबाइल के आसपास के अन्य मोबाइल की निकटता अनुमानित करने में मदद करता है। यह आपसे अनुरोध
है कि आप इसे हमेशा ऑन रखें। डाटा शेयरिंग, आपका डाटा केवल भारत सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। ये ऐप आपके नाम और नंबर का खुलासा किसी और के साथ नहीं करेगा। यदि आप कोरोना वायरस मुक्त भारत में योगदान देना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सेवा और गोपनीयता की शर्तों पर स्वीकृति दें। ये नीचे लिखा हुआ है मैं सहमत हूँ, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ अलाउ आरोग्य सेतु टू एक्सेस द डिवाइसेस लोकेशन, तो यहाँ पर लोकेशन की और डिवाइसेस की लोकेशन के लिए आएगा, तो यहाँ पर अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ परमिशन रिक्वेस्ट मांग रहा है, इसको यस कर दीजिएगा। जब आप इसको यस करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले आप इसमें अपना नंबर एंटर कर दीजिएगा। नंबर एंटर करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो आप अपने आप ये स्वतः ही वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आप ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इस तरह का आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, क्योंकि मेरा जो नंबर है इसमें ऑलरेडी ऐड है, तो मैं इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो इसमें मेरे लिखे लिए लिखा हुआ आ रहा है कि आप सुरक्षित हैं। तो अगर ये ग्रीन कलर में आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कि आप सुरक्षित हैं, तो मतलब मुझे कोई संक्रमण का खतरा नहीं है। और यहाँ पर अगर ऑरेंज बेस में आ रहा है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि आपको बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा है। वो डिपेंड करता है कि आपने अपने अकॉर्डिंग किस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की हुई है। वो इन्फॉर्मेशन ऐड तब करनी होती है जब इसमें आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना होता है, जो कि मैं इसमें कर चुका हूँ। इसमें देखिए आप कुछ मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लें, अपडेट के लिए नियमित रूप से ऐप देखें, सामाजिक दूरी कैसे बनाए रखें इसमें ये आपको दिखाया हुआ है। इसमें सामाजिक समारोह में जाने से बचें, लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। और यहाँ पे आप देखिएगा ये YouTube का जो है ये दिया हुआ है, इसमें आप अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी, जो कि नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं, इसके लिए हमें तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ये इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से नोबल कोरोना वायरस को हम संक्रमण होने से रोक सकते हैं। इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये देखिएगा COVID-19 करो और मत करो, मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अगर आप संक्रमण के खतरे से जूझ रहे हैं। और नीचे देखिएगा COVID-19 के बारे में और जाने, इससे नीचे देखिएगा COVID-19 के खिलाफ सुरक्षा के उपाय। ये आप जिस पर भी क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद एक PDF फाइल ओपन होकर आएगी, जिसमें सभी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई होंगी। अब आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा नरेंद्र मोदी का एक जो है जो दे रखा है, उन्होंने अपील की है कि इस आरोग्य सेतु ऐप को आप डाउनलोड करें और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचें। इससे नीचे आप जाएंगे तो PM केयर्स की जो अकाउंट्स की डिटेल है वो दी हुई है, जिस पर जाकर आप अपने थ्रू जो भी डोनेशन देना चाहें वो PM केयर्स फंड में डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, शेयर ऐप, इसके माध्यम से आप अपने दोस्तों को ये ऐप शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको टेस्ट, अपना टेस्ट किस तरीके से करना है कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण के घेरे में हैं या नहीं है, तो मैं ये देखो दोबारा कर देता हूँ, ये पुनः इसमें आप देख सकते हैं कि कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं COVID-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जेंडर क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, तो जैसा कि इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, और जैसा कि मैं अपनी एज इसमें लिख देता हूँ, इसमें ये आप क्लिक कर दीजिएगा नेक्स्ट। इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि मुझे कोई भी इनमें लक्षण नहीं है तो मैं इनमें से सेलेक्ट करूँगा इनमें से कोई भी नहीं है। अगर आपको खांसी की दिक्कत है, बुखार की दिक्कत है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो आगे का प्रोसेसिंग फिर बदल जाती है। अब जैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इनमें से क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है, क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, इनमें से कोई नहीं, मुझे इनमें से कोई भी समस्या नहीं है। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो कृपया करके उसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, अगर दिल की बीमारी है उस पर क्लिक कीजिएगा, मधुमेह की बीमारी है उस पर क्लिक कीजिएगा, फेफड़े की बीमारी है उस पर क्लिक कीजिएगा, मुझे इनमें से कोई भी समस्या नहीं है, मैंने इसमें इस पर क्लिक कर लिया है। तो उसके बाद ये
आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है। अगर आपने विदेश यात्रा की है तो हाँ कीजिएगा, अगर आपने नहीं की है तो नहीं पर क्लिक कीजिएगा। मैंने कोई 14 दिन में विदेश यात्रा नहीं की है तो मैं नहीं पर क्लिक करूँगा। अगर आपने 14 दिन में कोई विदेश यात्रा की है तो हाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रोसेसिंग बदल जाती है। फिर आपने अगर कोई विदेश यात्रा की है तो मतलब आपको संक्रमण होने का खतरा है। फिर आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, आपको और सुविधाएँ दी जाएंगी, कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि और तो कोई समस्या नहीं है आपको। तो मैं पिछले 14 दिनों में विदेश की मैंने कोई यात्रा नहीं की है तो मैंने इस पर नहीं पर क्लिक कर लिया है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, नीचे दिए हुए विकल्पों में कौन सा आपके लिए लागू होता है। हाल ही में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में रहा हूँ। मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना COVID-19 पुष्ट मामले की जाँच की है। तो इनमें से अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसी पर क्लिक कर दीजिएगा। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मैंने इनमें से कोई नहीं पर क्लिक कर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं उन्हीं की तरफ से यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ही ये आपको इंस्ट्रक्शन आती हैं। उसमें लिखा हुआ है आपका संक्रमण का जोखिम कम है, हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी COVID-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। यदि अगले 2 हफ्तों में आपको खांसी बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए इन्होंने लिंक दिया हुआ है। तो ये देखिएगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इन्होंने दी है। तो ये तो आप मेरा आया है, जैसा कि मेरे लिए संक्रमण का जोखिम बहुत कम है क्योंकि ना मैं किसी संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आया हूँ ना ही मैंने कोई विदेशी यात्रा की है। तो अगर आपका जो बीमारी है, आपको कोई जो आपको सिम्टम्स इन्होंने दिए हैं और जैसे कि बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है, खांसी की समस्या कोई आ रही है, अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो ये प्रोसेसिंग से चेंज हो जाती है। आपको फिर हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है। आप अवॉइड सोशल गैदरिंग, मतलब कहीं भी आप ऐसे पब्लिक स्पेस पर मत जाइएगा जहाँ पर सोशल गैदरिंग हो रही हो, कोई मैरिज पार्टी हो रही हो, उन चीज़ों से आप बचिएगा। नंबर 3 पर देखिएगा, कीप 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, मतलब लोगों से 6 फीट की दूरी बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और लोग जागरूक हो सकें और कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने को, अपने परिवार को बचा सकें। तो ये जानकारी सभी के पास पहुंचनी आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे तभी हम कोरोना वायरस से ये जंग जीत पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, लॉकडाउन के प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं। भारत सरकार आने वाले समय में लॉकडाउन को और बढ़ा सकती है ताकि इस जंग को हम जीत सकें। तो यही है, आपसे आशा करते हैं कि इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे कोरोना वायरस से ताकि हम बच सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जागरूक करना है ताकि वो इस संक्रमण से बच सकें और किस तरीके से हमें इसका सामना करना है, आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से हम इस संक्रमण से बच सकते हैं इस ऐप का इस्तेमाल करके। तो उम्मीद करता हूँ अपने घर पर ही रहेंगे, सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।